इंडी गठबंधन ने अपने 10 साल में लाखों करोड़ रुपए घोटाला घोटाला और घोटाला, करप्शन करप्शन करप्शन। जब देश को टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ाना था, इन लोगों ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश को अपनी सेनाएं मजबूत करनी थी, इन लोगों ने पनडुब्बी सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। जब देश को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाना था, इन लोगों ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। यहां टीएमसी भी यही कर रही है। टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे ऐसे घोटाले जो कोई सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा, नोटों के ढेर, चोरी का माल और बैंक के मशीन नोटों के ढेर गिनते गिनते थक जाते हैं। पोंजी स्कीम घोटाला, राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, और हर घोटाला मामूली नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। इन लोगों ने हर तरह से आपको लूटा है, आपके जेब काटे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के सामने खाई बना दी है, खाई। साथियों, बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला तो टीएमसी नेताओं के चरित्र को उजागर करता है। मैं जरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने कश्मीर के कुछ नेताओं को एक बार बुलाया था। घाटी के 100 के करीब गांवों के लोगों को बुलाया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया था। मैंने कहा, मैं एक काम के लिए आपकी मदद चाहता हूं। आतंकवाद जोरों पर था, गांव गांव में स्कूलें जलाते थे। मैंने उनको बुला करके कहा कि मुझे एक मदद चाहिए। बोले, क्या? मैंने कहा, मैं आतंकवाद से लड़ लूंगा, मैं आतंकवाद को जमीन पर से उखाड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक मदद चाहिए। बोले, क्या? मैंने कहा, ये गांव में ये आतंकवादी स्कूल जलाते हैं, मुझे मदद कीजिए, अब एक भी स्कूल जलना नहीं चाहिए। मैंने कहा, जब वो स्कूल जलाते हैं तब एक इमारत नहीं जलाते, एक मकान नहीं जलाते, वो आपके गांव के बच्चों का भविष्य जला देते हैं। और आप भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, कश्मीर के वो लोग, और ये बात मैं करीब 7-8 साल पहले की करता हूं, तब तो मेरे सामने सवालिया निशान थे, लेकिन उन सभी नेताओं ने मुझे कहा कि साहब, काम कठिन है, लेकिन हम आपकी भावना को समझते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कश्मीर के गांवों में स्कूलों को जलाना बंद हो गया। बच्चों के भविष्य को वो समझे, लेकिन ये टीएमसी देखिए, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है और शिक्षक भर्ती में घोटाला करके आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। 25,000 शिक्षक
आज अदालत ने उनको घर भेज दिया, वो शिक्षक तो गए सो गए, आपके बच्चों के भविष्य पर ये भ्रष्टाचारियों ने ताला लगा दिया है। जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्या ऐसे टीएमसी को माफ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या उनको सजा दोगे? इस बार कमल को वोट देकर के उनको सजा दीजिए। भाइयों बहनों, टीएमसी भ्रष्टाचार की दुकान खोल करके बैठी है। या हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई शुरू होते ही टीएमसी के नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए मिलने लगे हैं। एक टीएमसी वालों के यहां से जो पैसे मिलते हैं, वो पैसे किसके हैं भाई? किसके पैसे हैं? ये आपके है कि नहीं है? आपकी मालिकी के है कि नहीं? कि आपके घर में कोई चोरी कर जाए, आप चोर को माफ करोगे क्या? करोगे क्या? आपके बंगाल में चोरी कर ले, माफ करोगे क्या? ये पैसे बंगाल की जनता के हैं। चर्चा है एक एक पद के लिए चार चार पांच पांच छह छह लाख रुपए की रिश्वत ली है। पैसे लेकर के ओएमआर सीट तक बदल रहे थे। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। आप मुझे बताइए, इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबके सब मुझे बताइए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कौन सजा दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? मोदी तब दिलवा सकता है जब आपके सबके वोट मिलेंगे, तब मुझे ताकत मिलेगी।